हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दोस्तों, हम हिंदू हैं और हमारे कई प्रकार के ग्रंथ हैं और कई प्रकार के नियम हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे आराध्य देव महादेव हैं और हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में भी महादेव का एक छोटा सा स्वरूप हम उनको स्थापित करें। लेकिन उनके जो नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर हम उनको स्थापित करेंगे तो उनका फल हमको जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव के ये जो छोटे से जो स्वरूप के जो शिवलिंग होते हैं, आप देख सकते हो ये जो शिवलिंग है, ये थुम्ब साइज के शिवलिंग है। आप इनको घर में स्थापित कर सकते हो। ये नर्मदा जी का ओरिजिनल शिवलिंग है जो कि गृहस्थ जीवन में नर्मदेश्वर शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। तो इस प्रकार के जो शिवलिंग होते हैं, इनको आप अपने घर में स्थापित कर सकते हो। लेकिन बात यह होती है कि इनको स्थापित करना कहाँ है, घर में करना है या कहीं गमले में करना है, तो कहाँ करना है। सभी के मन में ये डाउट रहता है कि इनको स्थापित कहाँ करें। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी पर आधारित है। आप मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए जो वास्तविक मुद्दे की बात है उस पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारी जो माता बहनें होते हैं वो भगवान शिव की बहुत परम भक्त होते हैं और वो भगवान शिव की बहुत सेवा करते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो शिवलिंग रहते हैं, वह इस प्रकार के जो तुलसी जी का गमला जो रहता है वो उन पे स्थापित कर देते हैं उन पर, जो कि यह नहीं करना चाहिए। तुलसी जी में भगवान शिव को नहीं बैठाना चाहिए, ये वर्जित मानना का है हमारे धर्म के अनुसार। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कहते हैं कि पूर्व जन्म में माँ तुलसी एक वृंदा नाम से स्त्री थी और उनके जो पति थे वो जालंधर नामक राक्षस थे, जो कि वो भी जालंधर भी भगवान शिव का ही अंश था। लेकिन कुछ आसुरी प्रवृत्तियों के कारण उनमें बहुत अहंकार हो गया था और उन्होंने बहुत आतंक मचा दिया था। तो भगवान शिव ने उस आतंक का समाप्ति के लिए भगवान शिव ने उनका जालंधर का वध कर दिया था और उसी वध की वजह से माँ तुलसी उनसे उनके विरोध में हो गए कि हम एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। और तुलसी जी ने यह श्राप दिया कि तुम्हारा जो भी पूजा पाठ में होगा उस पूजा में मेरा दल नहीं चढ़ेगा। उसी वजह से भगवान शिव पर आज भी तुलसी जी का दल नहीं चढ़ाया जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमको इस प्रकार से तुलसी जी में जो भगवान शिव का जो अभिषेक का जल रहता है वो भी नहीं हमको उन पे डालना है और नहीं तुलसी जी के गमले में शिव जी को स्थापित करना है, क्योंकि यह मतलब यह अच्छा नहीं होता है और इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, इसका फल हमको नहीं प्राप्त होता है। तो अगर आप मेरे इस वीडियो से संतुष्ट हो तो आप प्लीज मेरे इस वीडियो में जो भी मेरे से त्रुटि हुई उस पर भी कमेंट कर सकते हो। और आप इस प्रकार से और भी अधिक वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर हर महादेव, हर घर तक महादेव। ओम नमः शिवाय।